हजारीबाग बानादा कोल साइडिंग इन दिनों काफी सुर्खियों में है। आलम यह है कि साइडिंग में सांसद जयंत सिन्हा का नाम ग्रामीणों के द्वारा लेने पर सांसद ने संलिप्तता साबित होने पर राजनीति से संन्यास लेने की बात भी कह दी है। ग्रामीण 5 अक्टूबर को अनिश्चितकालीन महाआंदोलन की शुरुआत किया। प्रभावित किसान बेरोजगार संघर्ष समिति बानादाग कुसुम्बाग कटकमदाग बांका के रैयत किसान और राजनेता बानादाग कोल साइडिंग पर धरने में हैं। वहीं कुसुम्बा के ग्रामीण ने सड़क जाम कर विरोध की आवाज़ को बुलंद किया है, जिसके कारण हजारों हाईवा गाड़ी कोयला लदा हुआ है, सड़क पर ही खड़ा है। कोयला रैक लगाना भी प्रभावित हुआ है। हजारीबाग से कई ऊर्जा संयंत्र को कोयला आपूर्ति की जाती है। वहीं हजारीबाग में महाआंदोलन के दौरान यह ऐलान भी किया गया है कि कोयला यहां से नहीं जाने दिया जाएगा जब तक कि मांग पूरी नहीं होगी। वहीं पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने कहा कि किसानों की मांग जायज़ है, मैं यहां पर पिछले 4-5 दिन पूर्व यहां आया था, चारों तरफ खेत खलिहान काला हो गया है, जिसकी जमीन है गई है उसको नौकरी नहीं मिला है, मुआवजा भी नहीं मिला है, अभी तक कुछ नहीं मिला है, लोग परेशान हैं और दौड़ने से कुछ भी नहीं मिलता है। मांग जायज है, बढ़ाया था 4-5 दिन पहले, चारों तरफ खेत खलिहान पूरा काला हो रहा है, इसकी जमीन गई है, उसको नौकरी चाहिए, मुआवजा चाहिए, अभी तक मुआवजा नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, लोग परेशान हैं दौड़ करके, और सभी जगह लोगों ने जाके दौड़ा इधर किया, लड़ाई सब लोग जानता है, छिपा हुआ नहीं है, ये जो यहाँ कॉन्टैक्ट है वह यहाँ के विधायक बनी जायसवाल की कंपनी का है, और वो जब भी कुछ होता है तब पुलिस का मदद करो, अभी 100 से ज़्यादा लोगों पर 107 किया गया है, 107 करने चले चला है सबको जेल। किसी भी साइडिंग में मेरा नाम कहीं जुड़ा हो तो मैं वहीं उसी क्षण इस्तीफा दे दूँ, क्योंकि अगर आप लोग समझते कि मैं उस प्रकार की राजनीति करता हूँ बिल्कुल गलत है। तो किसी भी साइडिंग में किसी भी तौर पर किसी भी तरीके से मेरा नाम अगर जुड़ा हुआ है और उसका खुलासा कोई भी कर देता है तो मैं उसी क्षण मैं राजनीति से इस्तीफा दूँ।